भारत और पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी और बाबा नीम करोली, एक ऐसी कथा सुना रहा हूँ जिसमें वर्तमान, भूत और भविष्य, ये सब कुछ जानते थे बाबा नीम करोली। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं, अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली। और दिल्ली में वो समय है विभाजन का, दर्दनाक मंजर है। और आपको मालूम है ना, जब विभाजन हुआ है 1947 में, तो उस समय मानवता बहुत रोई है। मैं लाहौर से आने वाली ट्रेन दिल्ली में, कुछ कैंप लगे हैं जहां जो लोग आ रहे हैं उनमें रोक रही है सरकार, अपनी व्यवस्था कर रही है। लेकिन व्यवस्था होते होते हुई बाबा नीम करोली की एक ऐसी गाथा मिली है जो बहुत कुछ बताएगी। बाबा नीम करोली वर्तमान सबके साथ होता है, लेकिन वो भूत भी जानते हैं कि क्या हुआ, भविष्य क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि कई भक्तों ने कभी कभी हमसे पूछा है कि ऐसा होने हुआ या भारत चीन का युद्ध हुआ, और ये इसमें महाराज जी ने अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाई। मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ प्रकृति द्वारा निर्धारित है। और महाराज जी ने हाँ कभी कभी किया है, उन्होंने प्रकृति के साथ कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं, लेकिन हमेशा प्रकृति के साथ ही रहे हैं, उन्होंने उनसे बाधित नहीं। महाराज जी दिल्ली में है, प्रवासी अल्प प्रवासी जो रोके गए हैं वहाँ से, लाहौर से जो लोग आए हुए हैं उनको रोका गया है, कैंप हैं, बड़े बड़े कैंप हैं और भारी भीड़ है। उधर से गुजर रहे हैं महाराज जी, कुछ भक्त हैं उनके साथ। उन कैंपों में से एक महिला निकल के आती है, महाराज जी को प्रणाम करती है और एक निवेदन करती है। कहती है महाराज जी ऐसा करो, अभी एक नवजात शिशु है, लाहौर से आइए। आप समझ लीजिए कि आज भी देश विदेश में लोग हैं महाराज जी के भक्त, और उस समय भी भक्त थे, तो बाबा नीम करोली को पहचानते हुए कहती है कि महाराज जी आप एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, नवजात शिशु है, आप उसे आशीर्वाद दे दीजिए। सरल स्वभाव महाराज जी उसके साथ चल पड़ते हैं। जो रास्ते में समय बीतता है उसमें महिला शिकायत करने लगती है, कहती है महाराज जी लाहौर में बहुत बदसलूकी हो रही है, ये हो रहा, मतलब उस समय का चित्रण अपनी बात बताती है। महाराज जी पलट के पूछते हैं, तुझे तो मालूम था, पहले ही मालूम था, 6 महीने पहले मालूम था, तो तूने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। एकदम आश्चर्यचकित रह जाती है महिला। होता क्या है कि उस महिला जहां उसका निवास था उस जगह पर, उसके आवास पर कोई संत आए थे, और संत ने बता दिया था कि 6 महीने के बाद भारतवर्ष 2 विभागों में बट जाएगा, एक का नाम भारत और दूसरे का नाम पाकिस्तान। बड़ी त्रासदी होगी, बहुत परेशानियां आएंगी, ये सब वो संत उनको 6 महीने पहले बता गया था। तो ऐसे ही कोई आता है, कुछ कह देता है, बता देता है, आदमी चला जाता है। उसे आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि महाराज जी भारत में रहते हैं, हम पाकिस्तान में थी, लाहौर में थी, और उस समय इनको कैसे मालूम कि कोई संत आया था, उसने हमको बताया था। सारी चीज वो सामने आई, यानी जो 1947 में होना था उस संत जनों को पहले से ही मालूम था। और उस समय ये अतिशयोक्ति नहीं है,
लोगों का अपना अपना मानना है, लोगों ने इस घटना को लिखा भी है अपने एंगल से, लेकिन मुझे ये लगता है कि महाराज जी को जब वो वहाँ पहचान रही है तो निश्चित रूप से लाहौर में रहते हुए महाराज जी के प्रति उसकी श्रद्धा होगी और भक्तों में उसकी उसका नाम होगा, इसीलिए तो उसने वहाँ पहचान लिया और वहाँ से याद करती होगी। तो महाराज जी ही किसी संत का भेष रख के उसे एक संदेश दे आए थे, है ना। आप तब तक कैंप में पहुंच जाते हैं, नवजात शिशु को आशीर्वाद देते हैं, समझ गए होंगे कि महाराज जी को भूतकाल की बात 6 महीने पहले, है ना, 6 महीने पहले संत कोई आया, 6 महीने बाद घटना होती है, वर्तमान हो जाता है, और 6 महीने बीते, 6 महीने के फ्लैशबैक में जाएं तो 6 महीने बाद की घटना भविष्य है और भविष्य भी महाराज जी बता रहे हैं। तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीन ही काल होते हैं और तीनों के ज्ञाता है। तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन से जुड़ी हुई त्रासदी की ये कथा सुनाते हुए मैंने आपको एक कथा और सुनाई थी। ऋषिकेश में एक डॉक्टर को महाराज जी ने भोजन कराया था, जो बहुत परेशान था, कई दिनों से भूखा था, छिपा हुआ था, आपको याद होगा ना, गंगा के किनारे, क्योंकि वही डॉक्टर कानपुर में मिला था, है ना, महाराज जी की फोटो देख के फिर वहाँ पहुँचा था। ये कहानी आपको याद होगी। विभाजन से पूर्व भारत एक ही था और उस जगह से महिला आती है, भीड़ में पहचानती है, आशीर्वाद दिलवाती है और आशीर्वाद दिलवाते ये कथा होती है। तो ये जो सब घटनाक्रम है ये साबित करता है कि महाराज जी ही हनुमान जी हैं, ठीक है ना। तो मैं आपकी कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करता हूँ कि आप अपना अपनी अभिमत जरूर लिखें। चल पड़े।